अरे उधर के इधर इधर बैठे क्या बात? आप आलिए नहीं, हाँ। कोई बात नहीं, कोई नहीं। आप क्या करते हैं? मैं तो रिटायर हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से। पेंशन मिल रही है? पेंशन मिल रही है, बहुत बढ़िया। 28 तारीख को आ गई पेंशन। कौन विभाग में थे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन 28 को ही आ गई? 28 को, 27 को भी आ जाती है। हर महीने की? इस बार न्यू ईयर की? हर महीने, हर महीने। तो क्या पूछना है, तनख्वाह वालों को 1 तारीख तक मिली नहीं रही है, आपको 28 को मिली? कौन सी तनख्वाह नहीं मिल रही? किस डिपार्टमेंट में नहीं मिल रही है भाई? सरकारी छोड़ो, हमारी 27 से लेके 29 तक तनख्वाह आ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, हर हर महीने। ये नहीं है क्रिसमस का या कोई त्योहार पड़ जाता था और 2 दिन पहले आ जाती है। चलो आपका तो ठीक है, और जो पेंशन नहीं पा रहे उनका सोचो। पेंशन कौन नहीं पा रहा? अरे बहुत है, 2004 के बाद जो रिटायर होने वाले कहाँ पाएंगे? अब तो उनका दोबारा ला तो रहे हैं, हिमाचल में कह रहे हैं हम लाएंगे, इसमें लाएंगे, कहाँ का लागू किया? मोदी जी केंद्र सरकार में तो नहीं कुछ बोल रहे हैं? भाई ऐसा है, सब कुछ बोल रखा है, ये पब्लिक है, सब जानती है, इनको सब पता है। इस देश में रोना रो रहे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, फलाना है, ढिमकाना है, कोई महंगाई नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है, ये सब पॉलिटिक्स अपोजिशन वालों का ड्रामेबाजी है, बाकी कुछ नहीं है। आप कनॉट प्लेस में घूम रहे हो, आप मुझे दिखा दो कहाँ गरीबी है, कहाँ महंगाई है, क्या बेरोजगारी? कनॉट प्लेस हिंदुस्तान है ऐसा है? हाँ सारा है, हर एक जगह यही हाल है बाबू जी। आप रहने वाले कहाँ के? मैं तो दिल्ली का ही रहने वाला। अभी नहीं पता है कि गरीबी क्या है, महंगाई क्या है। मेरा गाँव यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है। 14 किलोमीटर भी दिल्ली ही हुआ? हाँ तब दिल्ली है ना सारी, दिल्ली देश नहीं है ना? हम दिल्ली देश है गुरु जी, हमने तो देखा, बाहर भी गए हैं, नोएडा साइड में चले जाओ आप, जो है यहाँ से निकलो कलंदी, आप कलंदी कुंज से निकलो और नोएडा तक, सारा ग्रेटर नोएडा तक चले जाओ, आपको रोड के ऊपर जो है ना पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी, कार ही कार नजर आएगी, कार ही कार। हमें तो कहीं गरीबी नहीं। आप दिल्ली से कहाँ कहाँ गए? दिल्ली से हम तो खैर जब नौकरी में थे तो सब जगह घूम आए थे पूरे हिंदुस्तान में। कहाँ कहाँ गए? सब जगह गए हैं भाई, 30-30 साल जितने सब जगह गए हैं, रामेश्वरम, इधर जो है अपना पुरी, द्वारकाधीश, और जो पहाड़ों। बिहार गए? बिहार में नहीं गए, उत्तर प्रदेश में कहीं गए? नोएडा क्या गए? हाँ उत्तर प्रदेश में सारा, ये जब हरिद्वार और इधर जाते हैं ऋषिकेश, तो सारा उत्तर प्रदेश ही पड़ता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश ही, ये हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तर प्रदेश, बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, सुल्तानपुर, जौनपुर गए? नहीं इधर नहीं गए। 140 करोड़ का देश है और दिल्ली में 3-4 करोड़ लोग रहते हैं NCR में। कितना हुआ, 10% क्या, 1% 2% लोग रहते हैं, ठीक है? तो यही नहीं है। दूसरी बात, जो ये कनॉट प्लेस में आपने 100 रुपया पेट्रोल महंगा ही नहीं है? 1200 रुपये सिलेंडर महंगा ही नहीं है? ना कुछ भी नहीं है। आज एक मजदूर की दिहाड़ी पता है, जो राजमिस्त्री है ना, 1000 रुपये है उसकी, और जो लेबर है उसके साथ वो 700 रुपये ले रहा है। क्या महंगाई है बताऊँ मुझे? उसको काम कितने दिन मिल रहा है? रोज मिल रहा है, दिल्ली में, दुनिया भर का, नोएडा इधर जो है काम चल रहा है। कितना पा रहे हो? और शाम को जो है ना पेंशन, आप पेंशन कितना पा रहे? 500 रुपये वाली बोतल ले रहा है, एक के साथ एक फ्री, बर्बादी सारी दिल्ली मर गई पी। एक बात ही बताओ, आप पेंशन कितना पा रहे हो? पेंशन में अच्छी पेंशन मिल रही है मेरे को, मैं 40,000 रुपये मिल रही है। 40,000 रुपये पेंशन पा रहे, तो आपको क्या महंगाई पता चलेगी चचा? महंगाई तो है, खैर अलग बात है, लोगों का अलग अलग, बहुत लोगों को महंगाई दिखाई देती है, बहुत लोगों को महंगाई नहीं दिखाई देती है, ये भी बात सही है कि लोगों की कमाई भी बढ़ी है, लेकिन समाज में अभी आंकड़े के हिसाब से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन की भी जरूरत पड़ रही है। ऐसी बात नहीं है, महंगाई तो जो गरीबी भी है, जो बेरोजगार है, धंधा नहीं है लोगों के पास, लेकिन काम करने वाले के लिए कोई कमी नहीं है। काम करने वाले के लिए कभी कमी नहीं रहती है? कभी कमी नहीं रहती। तो एक बात बताइए, क्या है ये नीतीश कुमार की कहानी, कुछ पता चली आपको? इसकी कहानी तो हमें नहीं पता, ये तो अलट पलट आदमी है। जब लालू जैसा आदमी ये कहता है कि मेरे मुंह में 32 दांत है और नीतीश के पेट में 32 दांत है, तो इसका क्या मीनिंग निकालते अब तो? अभी वो कभी BJP में घुस जाता है, कभी अब ये लालू के अनपढ़ दो बच्चे जो है ना, दोनों मंत्री बना रखे हैं, 15 साल तो इसने हो गया, 18 साल अनपढ़ तो बहुत लोग। अरे तो इन्होंने बिहार के लिए किया क्या है सिवाय लूट खसोटने के? बिहार में इतनी खनिज संपदा है,
वहाँ इंडस्ट्री लगती कुछ लगती तो बिहार के लोग बेचारे क्यों इधर उधर घूमते। बीजेपी तो सरकार में रही नीतीश जी के साथ, रही सरकार में वो तो पिछले गु है सरकार में थोड़ी है, कमान तो इनके हाथ में ना लालू के और नीतीश के में। अरे बीजेपी के नीतीश के साथ नहीं रही ना, कुछ नहीं रही उनकी, ये सरकार में नहीं थी वहाँ। भाई पीछे से धक्का देना अलग बात है, जो अपने हाथ में पावर हो वो होती है बात, भाई जिसके हाथ में लठ होगा ना वही तो आगे किसी को करेगा कुछ। 2024 में कोई लड़ाई है कि मामला कुछ भी ना है, बेकार है, कोई लड़ाई बड़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, कोई है ही नहीं देश में, सिर्फ एक आदमी है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उसके सिवाय वर्ल्ड में नहीं है, देश की तो बात छोड़ो, हो गया काम खत्म। पाकिस्तानी मांग रो रहे हैं।